प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे। इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका में रहने वाले एक फेमस पोइट हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि किस प्रकार मनुष्य उदासी में है और प्रकृति के द्वारा उसका किस प्रकार मनोदशा परिवर्तित की जा सकती है। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण कविता है जो इस प्रकार है। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसका अर्थ है कि जो कवि है वो एक हेमलॉक ट्री, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक जहरीला वृक्ष है, उसके नीचे खड़ा है। यहाँ इसकी संज्ञा भारत में धतूरे के वृक्ष के रूप में की गई है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक हेमलॉक ट्री यानी एक जहरीले वृक्ष या धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, और उस वृक्ष पर एक क्रो क्रोमिस कौवा बैठा हुआ है। और द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि जो दुखी अवस्था में खड़ा हुआ है, दुखी अवस्था में वो जा रहा है, उसके ऊपर एक कौए के द्वारा कुछ बर्फ के कण गिराए जाते हैं। ये जो हेमलॉक ट्री है वो बर्फ से ढका हुआ है, और जब कवि उसके नीचे से निकलता है तो कुछ बर्फ के कण उसके ऊपर गिर जाते हैं। इसके बाद हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रियूड। यहाँ सेकंड स्टेंजा में कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कवि है वो दुखी स्थिति में है, उसके मन की दशा या मनोदशा दुखी है, जब एक कौवे के द्वारा उसके ऊपर कुछ बर्फ के कण गिरा दिए जाते हैं, तो इससे उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है, उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रुइड, और जो उसका शेष दिन का शेष भाग है वो दुखी अवस्था में न होकर एक सुखी अवस्था के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहता है कि उस कौए के द्वारा जो बर्फ के कण उसके ऊपर गिराए गए उससे उसकी मनोदशा में परिवर्तन हुआ, और उसका शेष दिन प्रसन्नता पूर्वक बीता। यहाँ इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि कौवा, बर्फ के कण और हेमलॉक ट्री ये सभी उदासी के प्रतीक हैं, और प्रकृति की गोद में आकर कोई भी व्यक्ति अपनी मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात प्रसन्न रह सकता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए।